नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज 24 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 24 फरवरी के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 के करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। और इसमें दोस्तों आपको MP करंट अफेयर से लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको मंथली वाइज 12 PDF मिलेगी। चलिए अब डेज का रिवीजन कर लिया हम, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई जाती है, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 13 फरवरी को दोस्तों दो दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दे दी है। तो इसकी लंबाई दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? तो यह है 906 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है इसकी? 906 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है खजुराहो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और अमरकंटक अमनुपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया 20 फरवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 20 फरवरी से लेकर दोस्तों 26 फरवरी तक की चलेगा खजुराहो नृत्य समारोह 2022, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो ये 48वां संस्करण है, तो ये भी याद रखिएगा। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार पुनः प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो ये इन्फोसिस के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इन्फोसिस के द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार पुनः प्रारंभ किया गया है। बात करें हम यहाँ पर इन्फोसिस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2 जुलाई 1981 को, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? NR नारायण मूर्ति है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? तो ये बेंगलोर में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? नंदनी इलेकानी है। और इसके MD और CEO कौन है? सालिक परेख है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, IIT इंदौर ने किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया दोस्तों? तो ये बनाया है IIT इंदौर के साथ मिलकर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। IIT इंदौर ने IIT इंदौर के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम बात करें IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसकी स्थापना कभी थी दोस्तों? तो ये 2009 में की गई थी। और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुभाष एस जोशी है, ठीक है। दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और इसके अभी डीन यानी चेयरमैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर आशीष तिवारी है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर संजीव तो केकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल 24 फरवरी को कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एवं विद्यार्थी विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो MSME मंत्री है श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, तो इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ओम प्रकाश सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है। और इनके पास दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये यशोधरा राजे
सिंधिया है। चल दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र जामदार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र जामदार। और जन अभियान परिषद का पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे श्री अनिल माधव दवे थे, ठीक है। और इसके पहले कौन थे दोस्तों जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, तो ये श्री विभास उपाध्याय जी थे। तो ये 12वें अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र जामदार, और 11वें कौन थे श्री विभास उपाध्याय, और पहले कौन थे श्री अनिल माधव दवे। तो देखिए दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बुधवार को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में परिषद के राज्य कार्यालय में दायित्व ग्रहण किया है। और दोस्तों जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्त पोषित निकाय है। परिषद का मूल उद्देश्य दोस्तों शासन तथा समुदाय के मध्य सशक्त एवं प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को क्षमता संपन्न बनाना है। परिषद के द्वारा प्रस्फुटन योजना अंतर्गत वर्तमान में मध्य प्रदेश के 18,000 ग्रामों में स्थानीय स्तर की स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण कर वित्त पोषण किया जा रहा है, तथा नवांकुर योजना अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में पूर्व से गठित लगभग 2,000 स्वयंसेवी संगठनों का चयन कर क्षमता वर्धन एवं वित्त पोषण किया जा रहा है। परिषद द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से आओ बनाएं अपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित 9 विषयों सहित मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में उल्लेखित समस्त 15 विषयों पर जन सहभागिता के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 90 अनुसूचित जनजाति विकास खंडों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व जन अभियान परिषद को सौंपा गया है। और इसी की तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में शेष 30 जिलों के 224 गैर अनुसूचित विकास खंडों में भी इस पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन ऐप आयुष क्योर को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रजत पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन ऐप आयुष क्योर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैद्य आपके द्वारा योजना में विकसित आयुष क्योर ऐप को प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में विषय विशेषज्ञ तथा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा सराहा भी गया है, और इसे जन सामान्य में अधिक से अधिक प्रचारित करने का सुझाव भी दिया गया है। आयुष विभाग का यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, और इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आयुष डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐप के द्वारा ही रिपोर्ट भेजने तथा उपचार संबंधी दिशा निर्देश प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, और मध्य प्रदेश में अब तक 37,000 से ज्यादा यूजर्स द्वारा आयुष क्योर ऐप डाउनलोड किया जा चुका है, और ऐप पर बुकिंग करने वालों में से 88% लोगों ने चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया है। और दोस्तों आयुष विभाग के द्वारा शुरू की गई वैद्य आपके द्वारा योजना के जरिए घर बैठे आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से लाइव वीडियो कॉल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया जा रहा है। योजना में आयुष की 3 विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। नागरिक एंड्रॉइड फोन में गूगल प्ले स्टोर से वैद्य आपके द्वारा ऐप डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आयुष विभाग ने सामान्य जन को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही उपलब्ध कराने के मकसद से इस योजना को टेलीमेडिसिन ऐप से उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला सर्फ उद्यान किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उज्जैन। देखिए दोस्तों महाकाल यानी शिव का एक श्रृंगार कोबरा भी है, और यह सबसे खतरनाक सर्प प्रजाति है तथा लुप्त होने की कगार पर है। उज्जैन के सर्प उद्यान में अब किंग कोबरा के जोड़े को रखा जाएगा, और जोड़ा होने से प्रजनन भी होगा, जिससे इस प्रजाति को बचाने में मदद मिलेगी। वसंत विहार में सर्प अनुसंधान संगठन के सर्प उद्यान के पास ही सर्प व्याख्या केंद्र एवं सरिसृप गृह बनाया जाएगा, और इंटरप्रिटेशन सेंटर और सर्प गृह बनने पर उज्जैन आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक दर्शनीय स्थल बनेगा। इसके अलावा शोधार्थियों और विद्यार्थियों को भी अध्ययन की सुविधा मिलेगी। और दोस्तों प्रयोगशाला बनाने में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सहयोग लिया जा रहा है, और यहाँ मल्टीमीडिया लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर कर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह बैस है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, और प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया है,
और साथ ही ऊर्जा साक्षरता अभियान के मिशन मोड में दिन प्रतिदिन क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया गया है, ठीक है। और क्रियान्वयन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों, तो ये नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा के जो प्रमुख सचिव है उनकी अध्यक्षता में किया गया है। प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा अधिकार समिति के सदस्य सचिव और आयुक्त सह सचिव सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनसंपर्क, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी शामिल किया गया है। इसका दायित्व राज्य स्तरीय साधिकार समिति के दायित्व में ऊर्जा साक्षरता अभियान के मिशन मोड में क्रियान्वयन से संबंधित योजनाओं की रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान करना है और क्रियान्वयन करने के लिए सभी विभागों को समय पर सुझाव देना भी शामिल है। समिति ऊर्जा साक्षरता अभियान क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और अधिकतम 4 माह में अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा भी करेगी। और प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा समिति के सदस्य और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम को सदस्य सचिव बनाया गया है और सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनसंपर्क, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और अध्यक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों को समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति राज्य स्तरीय साधिकार समिति से प्राप्त निर्देशों को लागू करने के साथ ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित करने के लिए पाठ्यक्रम, प्रचार सामग्री, वेब पोर्टल तैयार करने, मिशन लॉन्च करने और योजना को व्यापक रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? तो देखिए, मंडला भी है, देवास भी है, खरगोन भी है, विदिशा नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों, प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर के सोंडवा तक नर्मदा नदी अपने 170 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान राज्य के 16 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर है। और वैसे इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? 16 जिलों से होकर गुजरती है। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया था? चार्ल्स कस्टन, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स पीटरसन, चार्ल्स डैप। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो क्विज होता है हमारा 143वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो अलका सिंह की आई है, सेकंड रैंक रानी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो शक्ति की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।